जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कनाडा में तेजी से घटी है और माना जा रहा है कि तीसरी बार उनकी सत्ता में वापसी मुश्किल है, लेकिन अपनी नीतियों और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अपने लोगों की आलोचना झेल रहे ट्रूडो तीसरी बार जीत का डंका बजाना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या चुनाव की वजह से कनाडा जानबूझकर भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव में ट्रूडो की नजर खालिस्तानियों के वोटों पर है और वो उनको खुश करने के लिए भारत से बैर मोड़ लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए बेतुके आरोपों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जिस भारत के साथ दुनिया के बाकी देश अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ अपने देश कनाडा के संबंधों को आखिर क्यों दांव पर लगा रहे हैं ट्रूडो। दरअसल भारत से उलझने के पीछे है ट्रूडो का चुनावी गणित। कनाडा में इलेक्शन आने वाला साल में है, 2025 ऑटम में है। बेशक एडवांस कर सकता है और जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रही है ना। इकोनॉमी भी बहुत डिफिकल्टीज है। दरअसल कनाडा में अक्टूबर 2025 में चुनाव होने वाले हैं और 2015 से सत्ता में बने ट्रूडो चाहते हैं कि इस बार भी चुनाव में उनका ही डंका बजे, लेकिन समस्या ये है कि पिछले चुनाव में ट्रूडो की पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी और उन्हें खालिस्तानी अलगाववादी नेता जगमीत सिंह की एनडीपी से समर्थन लेना पड़ा था। पिछले महीने तक ट्रूडो जगवीर की पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे थे, लेकिन सितंबर महीने में एनडीपी के समर्थन वापस लेने से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि ट्रूडो इस महीने विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन फिर से सरकार में वापसी के लिए सिख वोटों की अहमियत तो समझ में आ ही गई। वहाँ पर इन लोगों का कुछ लगभग 25-30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ प्रभाव है और सारी की सारी जो कनाडा की राजनीतिक दल हैं वो इनको आकर्षित अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। ट्रूडो चाहते हैं कि वहां के सिख उनका समर्थन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी करीब 4 करोड़ है। इनमें 18 लाख भारतीय हैं। ये कनाडा की कुल आबादी का करीब 4.5% है। इनमें से 7 लाख से ज्यादा की सिखों की आबादी है। कनाडा जो कुल आबादी का करीब 2% है। खास बात ये है कि इनका 20 से ज्यादा संसदीय सीटों पर सीधा प्रभाव है। लिहाजा कनाडा की सियासत में सभी पार्टियां सिखों को लुभाने की कोशिश करती रही हैं। ट्रूडो की भी नजर सिख वोटों पर ही है। ट्रूडो जो कर रहे हैं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं। वोट बैंक भारतीय ओरिजिन के जो हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स उनका वोट लेने के लिए, परंतु इसके साथ साथ वो अपना राजनीतिक बचाव करने के लिए भी ये कर रहे हैं। डिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो स्कैंडल को, जो चाइना का स्कैंडल है, भारत के प्रति फोकस करके, ताकि कनाडा की पब्लिक चाइना स्कैंडल को थोड़ा भूल जाए। कनाडा के साथ इस ताजा विवाद को लेकर कनाडा की मीडिया भी ट्रूडो की राजनीतिक समझ पर सवाल उठा रही है। वहां के पत्रकार डेनियल बोर्डमैन ने दो टूक कह दिया कि ट्रूडो के कदम से खालिस्तानी भले ही खुश हो रहे हैं, लेकिन कनाडा की आम जनता उनसे त्रस्त है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रूडो पिछले चुनाव के दौरान चीनी दखल को लेकर लोगों के निशाने पर हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों को बरगलाने के लिए भी भारत के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर उलझने की कोशिश की है। एक चाइना स्कैंडल चल रहा है कनाडा के अंदर, जिसमें कि 2019 और 21 की जो इलेक्शन हुई थी, जो ट्रूडो जीते थे, उस इलेक्शन में चाइना ने इंटरफेयर करके ट्रूडो के एमपीज को जितवाया और इसके ऑपोजिंग पार्टी कंजर्वेटिव के एमपीज को हरवाया। यह बात कैनेडियन इंटेलिजेंस को पता थी, पर इस पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी। 2 साल पहले यह बात खुले में आ गई। अब उस पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी चल रहा है कि ट्रूडो ने उस पे कोई कदम क्यों नहीं उठाए। ये स्कैंडल बन गया है ट्रूडो के लिए। तो ट्रूडो अब क्या कर रहे हैं, वो इस स्कैंडल को डिफ्लेक्ट, डिस्ट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी पर है। ट्रूडो की पिछले कुछ सालों में कनाडा के अंदर लोकप्रियता तेजी से घटी है। और कनाडा के राजनीतिक विश्लेषक अगले साल सत्ता में उनकी वापसी को लेकर संदेह भी जता रहे हैं। ऐसे में ट्रूडो ने अगले चुनाव के मद्देनजर ये सियासी दांव खेला है, लेकिन चंद वोट जीतने की खातिर ट्रूडो भारत से संबंधों को हार गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।